सीतापुर में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत कमरे में पेट्रोमैक्स जलाकर सोने से हो गई। ठंड से बचने के लिए परिवार ने कमरे के अंदर पेट्रोमैक्स जलाकर रखी हुई थी। कमरे में ऑक्सीजन की कमी होने के चलते सभी की मौत होने की बात कही जा रही है। आसपास के लोगों का कहना है कि घर का दरवाजा दोपहर तक न खुलने पर उनको शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर का दरवाजा तोड़ा तो उनमें से चारों के शव बरामद किए हैं। के अंतर्गत है वहाँ पे यहाँ के निवासियों के द्वारा सूचना दी गई कि थाने पर कि यहाँ पर मास्टर आसिफ हैं, जिन उनके घर का दरवाज़ा बंद है और वहाँ पर कोई भी वो खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, खुल नहीं रहा है। तो तत्काल सूचना पर पुलिस और वहाँ तहसीलदार साहब भी मौके पर आए और वहाँ पर दरवाज़ा जब खुलवा के देखा गया तो वहाँ पर पति पत्नी और उनके दो बच्चे अचेत अवस्था में बिस्तर पर मिले और एक पेट्रोमैक्स कमरे में गैस की जो है महक भी थी। पेट्रोमैक्स जो होता है जो सर्दियों में लोग उसको जलाते हैं, तो उनको तत्काल इस सूचना फेस कर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचे। वहां पर हम लोग और सभी दो बच्चे भी हैं, 2 वर्ष और 3 वर्ष के एक बच्ची है एक और एक लड़का है, उसको हम लोग को तत्काल जो है एम्बुलेंस में हम लोगों ने बुलवाकर और CSC भिजवाया है। वहाँ पर जो भी चिकित्सकों का जो भी उसमें होगा उसके अनुसार जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। बाकी मौके पर तत्काल जो है यहाँ पर फोर्स मौजूद है और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर संबंधी समस्या किसी प्रकार की नहीं है। सर, हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है? संभावित चार लोग हैं, एक ही परिवार के हैं, पति पत्नी और उनके दो बच्चे हैं। और अभी फिलहाल हम लोग जब पहुँचे तो वो अचेत अवस्था में थे और संभावित है कि मृत्यु हुई है, लेकिन फिर भी पुष्ट के लिए जो है डॉक्टर की पुष्ट करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने तत्काल उनको EMO के पास हम लोगों ने बिसवा में CSC बिसवा में हम लोगों ने भेज दिया है और आगे जो भी इसमें विधिक कार्रवाई है वो की जाए। घटना बिस्मा कोतवाली इलाके के कस्बा राजगंज में स्थित एक मकान की है। यहाँ रविवार 1 बजे के करीब मौत की जानकारी लोगों को हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, कस्बा निवासी 42 साल के आसिफ अली पुत्र शाकिर अली सदरपुर इलाके में स्थित इस्लामिया मदरसे में बाबू के पद पर तैनात थे। वो यहां पर अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते थे। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में पति आसिफ अली, उसकी पत्नी सफुकता, उसकी 3 साल की बेटी मायरा सहित 2 साल का बेटा अजयान शामिल है। घटना के समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था, जिसके कारण पुलिस हर एंगल से अपनी जांच कर रही है। सीतापुर से राजेश शुक्ला की रिपोर्ट।